हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं छोड़ रहा था, उसका कुछ रीज़न है गाइस। रीज़न हम ये वीडियो के आखिरी में बताएंगे। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ये वीडियो, क्योंकि अभी मैं अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई में आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और सारी दुकानें वगैरह वगैरह सब 4 बजे तक खुले हैं। तो हम इसके चलते हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर वाले भी मना करते हैं कि लॉकडाउन है, बाहर मत जा, बाहर मत जा, लॉकडाउन है, बाहर मत जा। तो इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी शायद से टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो हम बाहर जाना चालू किए हैं। तो गाइस, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बन रही थी, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास सामान नहीं था। सामान मींस ट्राईपॉड नहीं था और माइक नहीं था। माइक तो चलो कुछ भी काम का नहीं है, वेस्ट है वो। माइक तो मैंने मंगाया हूँ, माइक एकदम वेस्ट है। तो हमारे पास मेन तो ट्राईपॉड नहीं था, ट्राईपॉड की वजह से हम अपनी वीडियो नहीं बना पा रहे थे गाइस। तो अभी मैं कल ही जाके ट्राईपॉड लेके आया हूँ। मैं बोला बहुत ज़्यादा दिन हो रहा है, 2 हफ्ता समथिंग 3 वीक्स हो रहे हैं कि 3 वीक्स से मैंने वीडियो नहीं बनाया हूँ, नहीं बना के छोड़ा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूँ। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ कि चैनल हम लोग ने मतलब मैंने रिसेंटली शुरू किया हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो अपने भाई को। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ट्राईपॉड लाया हूँ, ट्राईपॉड कौन सा है। और हमने एक माइक भी मंगाया था, वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब वो इतना कुछ खास नहीं है हुआ माइक में। 391 का माइक पड़ा है वो हमको, अमेज़ॉन पे 390 का माइक पड़ा है। बजटली माइक है, अगर वॉइस अच्छी कैप्चर करता है, मगर वो आसपास की नॉइज़, जितनी भी आसपास की आवाज़ है वो सब उसमें कैप्चर होती है। नॉइज़ कैंसलेशन उसका कुछ इतना खास है नहीं, तो वीडियो अपने को एडिट करनी ही पड़ेगी। वीडियो तो एडिट करते ही हैं अपन, उसके साथ में अपने को वॉइस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं अभी माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं अपना ये एयरफोन एयरबड्स लगा के शूट कर रहा हूँ। इसकी भी माइक की कैप्चर क्वालिटी अच्छी है गाइस। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा माइक है और कौन सा ट्राईपॉड है जो मैंने परचेस किया हूँ। माइक तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको मंगा सकते हैं अमेज़ॉन पर। 391 का था कुछ ये। और मैं ट्राईपॉड तो मैं खुद जाकर लेके आया हूँ बोरा बाज़ार से। तो बोरा बाज़ार कहाँ है, ये बोरा बाज़ार है मुंबई में, मुंबई CST। तो बोरा बाज़ार CST में है, तो हम CST गए थे गाइस, कल ही गए थे। कल हम सोचे वहाँ की वीडियो बनाएं, मगर बारिश के वजह से हम वहाँ की वीडियो बना नहीं पाए, तो उसके लिए सॉरी गाइस। नेक्स्ट टाइम हम कभी भी CST जाएंगे कुछ काम से, तो वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वहाँ की जर्नी आपको ज़रूर दिखाएंगे गाइस। तो चलिए, दिखाता हूँ मैं आपको मेन रीज़न जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी और अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, तो अपलोड कैसे करूँगा। तो चलिए गाइस, तो गाइस ये है ट्राईपॉड जो मुझे पड़ा है, अराउंड 250 रुपीज़ का ये पड़ा है मुझे गाइस। ये ट्राईपॉड है, 250 का पड़ा है मुझे ये। ऑफलाइन मैंने जाके वहाँ बोरा बाज़ार से लेकर आया हूँ। ये ट्राईपॉड का मैं आपको बॉक्स बता रहा हूँ, ये ट्राईपॉड है पूरे, जो मोबाइल का स्मार्टफोन होल्डर है ना, ये हमको अलग से लेना पड़ा है। ये 100 रुपीज़ का आया बॉक्स है माउनो का। ये माइक का बॉक्स है, इसमें फ़्यूचर्स तो इतने अच्छे अच्छे बताए, मगर उसमें से कोई काम के नहीं है। मतलब वॉइस कैप्चर करता है अच्छी, अगर आपके घर में फ़ैन चलता है तो वो फ़ैन की आवाज़ भी उसमें कैप्चर होती है,
जैसे हवा चलती है, हवा लड़के वो आवाज़ भी कैप्चर होती है, उतना मतलब है उसको अपन वॉइस कैप्चर फैन वैन बंद करके अगर क्या रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्लियरली रिकॉर्ड होगा। मगर ये आपको मैं माइक दिखाता हूँ गाइस, देखिए गाइस ये माइक है, ये माइक है और इसके वायर की लेंथ अच्छी खासी है, अपन एडजस्ट कर सकते हैं इसको कैसे भी, तो ये भी यूज़ करेंगे गाइस, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, यूज़ करेंगे और पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो ये ट्राईपॉड है गाइस, मैं आपको अभी ट्राईपॉड भी दिखाता हूँ और होल्डर भी दिखाता हूँ। देखिए ये है ट्राईपॉड अपना, कुछ इस तरह का दिखता है ट्राईपॉड, क्वालिटी अच्छी है गाइस, 250 में और क्या चाहिए, क्वालिटी अच्छी है, सब रबड़ लगा हुआ है, ये रबड़ की ग्रिप है इसकी ये। और ये होल्डर मैंने लिया हूँ 100 रुपीज़ में, मेरे को अलग से लेना पड़ा था गाइस ये होल्डर, ये भी मैंने बोरा बाज़ार से लिया हूँ, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एक मिनट ये निकलता है ऐसा, ये होल्डर मैंने अलग से लिया हूँ, ये नीचे का पार्ट ये तो ट्राईपॉड का ही पार्ट है। और गाइस मैं आपको माइक के साथ में मुझे एक्सेसरीज़ में मिली थी, एक मिनट में मैं दिखाता हूँ मैं ली। तो गाइस बेसिकली ये अपने को एक्सेसरीज़ मिलती है माइक में, एक ये पाउच मिलता है और पाउच के अंदर ही आपको सब मिलेगा, मुझे तो 2 क्लिप मिली थी और एक ये पिन मिली थी कैमरा वगैरह में यूज़ करने के लिए, कैमरा तो अपने पास है नहीं, अपन वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो अपने को ये पिन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मगर ज़रूरत पड़ेगी, आज ज़रूरत की चीज़ थी, इसके वजह से अपन वीडियो बना नहीं पा रहे थे हम और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं, बस ये मेन तो ट्राईपॉड है, अगर मेरे पास माइक नहीं भी रहता था तो ट्राईपॉड रहता था तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर सकता था। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ गाइस कि ये मैं अभी वॉइस मेरी एयरफोन से कैप्चर हो रही है, मेरे एयरबड से कैप्चर हो रही है, तो माइक की तो अपने को खास कोई ज़रूरत नहीं थी, बस अपन फ्लो फ्लो में मंगा लिए माइक। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने को माइक की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, मगर ट्राईपॉड मेन था, उसके वजह से हम वीडियो बना के नहीं छोड़ पा रहे थे। रिसेंटली मैंने कल ही लेके आया हूँ और मुझे कल बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, तो अपन तो मुंबई में रहते, अपने को सब मालूम है कहाँ क्या चीज़ मिलती है, कहाँ क्या चीज़ नहीं मिलती है, कहाँ हमको घूमने जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और कौन सी जगह पे कब घूमने जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वो सब अपने को पता है। मगर कल मैं भटक गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था ट्राईपॉड लेने के चक्कर में गाइस, पहले मैं लेमेंटन रोड गया, फिर उसके बाद में मैं भोरा बाज़ार, लेमेंटन रोड में तो अपने को ट्राईपॉड मिलता नहीं है, वहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ मिलती है, तो ये ट्राईपॉड तो वहाँ मिला नहीं मुझे। फिर मैं उसके बाद भोरा बाज़ार गया, भोरा बाज़ार में कैमरे की दुकान में से फिर मैंने ट्राईपॉड ख़रीदा, ट्राईपॉड ख़रीदने के बाद फिर हम गए मनीष मार्केट मस्जिद रोड में, जो अतर जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अतर वहाँ से लिया, 3-4 टाइप के अतर लिया, फिर मैं वहाँ से आया। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे अतर है गाइस, मैं आपको अतर की कलेक्शन दिखाता हूँ मेरे। अतर तो अपने को चाहिए, खुशबू तो अपने को चाहिए गाइस, खुशबू अपन खुशबू गाइस मेन रीज़न तो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक की वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें और ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के ला सकूँ।